सो हाय गाइज, वेलकम बैक। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो मेरिट लिस्ट को लेके। मैं देख रही थी कि मेरिट लिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शंस भर चुके हैं मेरी मेरिट लिस्ट वाले डाउट को लेके कि मेरिट लिस्ट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो गाइज, ये कुछ ऐसा है जो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, और ये यूनिवर्सिटी वाले कब क्या करेंगे वो बताना मेरे लिए भी मुश्किल है। इवन हम में से कोई भी ये बात नहीं बता सकता है एक्सेप्ट द यूनिवर्सिटी। तो आज हमारी मेरिट लिस्ट 3rd of September को आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हमारी मेरिट लिस्ट आई ही नहीं है। और अभी कल मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हमारी मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर कल नहीं आएगी फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा इस चीज़ को लेके। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली कल मेरिट लिस्ट आएगी। एंड यूनिवर्सिटी जो साइट है हमें बार बार उसको चेक करते रहना पड़ेगा कि कब क्या नोटिस वहां पर रिलीज हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो कल आ जानी चाहिए। अगर हमारी कल नहीं आएगी तो फिर तो बहुत डिले हो जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही डिले हो रहा है हर चीज़ को लेकर। तो आपको जो काउंसलिंग के लिए टाइम मिल जाएगा वो डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी। अब देखो, जब इन्होंने प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया था तो उसमें इन्होंने कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी थी कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी। उन्होंने सिर्फ 29 to 31 का टाइम रखा था, लेकिन ये खुद ही रिवाइज्ड आंसर की देने में इन्होंने टाइम लिया है। एंड हमारे आंसर की जो रिवाइज थी, आई थिंक वो भी 3rd को ही आई थी, जिस दिन हमारा काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ था फिक्स। तो उस दिन इन्होंने हमारी जो थी रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ करी थी। आइडियली ये होनी चाहिए थी 31st को। तो डिले जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही है, तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ को जो है फर्दर बिल्कुल इनके लिए नॉर्म्स रिलीज़ करेगी और हमारे ही फेवर में जो होंगे, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए ज़रूर कुछ नॉर्म्स निकालेगी एंड आपका टाइम जो है वो ज़रूर एक्सटेंड करेगी। करना ही चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने डिले किया है। आप लोग तो प्रिपेयर थे ना, आप लोगों को तो हम लोग तो जब एग्ज़ाम हो जाता तो बिल्कुल वेट कर रहे थे कब रिज़ल्ट आएगा कब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं कि हम पेशेंट रहें, हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ काम लेना है। अभी आपसे वेट ही कर सकते हो और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इवन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आई कांट इवन हेल्प यू आउट। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखो, जब हमारे टाइम में एग्ज़ाम हुआ था ना, तो हमारे टाइम में कोविड हो गया था, तो उस टाइम पर हमारा रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट तो रिलीज़ हो गया था, लेकिन हमारी काउंसलिंग हमारे रिज़ल्ट आने के 3 महीने बाद हुई थी। आप सोच सकते हो हम 3 महीना कितना लटक के रहे थे। हमारा टेस्ट जो है वो नवंबर में हुआ था, रिज़ल्ट भी नवंबर एंड में आ गया था, लेकिन हमारी काउंसलिंग हुई थी फेब में, दिसंबर जैन, मतलब 2 महीने हम ऐसे ही इतना परेशान रहे थे कि कब का ऐसा नहीं हो कि हम मिस कर दें काउंसलिंग आ जाए। और उस टाइम पे यूट्यूब पे भी कोई नहीं था जो इस चीज़ को लेके अपडेट्स प्रोवाइड करता था। सो आप घबराओ मत। देखो, कोई भी क्वेरी होती है आप लोग मुझसे आके पूछते हो, मैं उसको ज़रूर हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ। और अगर कोई ऐसे हेल्प करे तो थोड़ा सहारा ज़रूर फील होता है, क्योंकि ये चीज़ जब मैंने खुद फील करी थी तो मुझे ऐसा हुआ था कि काश कोई हमें भी समझाने वाला होता, कोई काश कोई हमें अपडेट्स देने वाला होता, क्योंकि कभी कभी साइट को कैसे यूज करना है वो चीज भी हमें नहीं आती है। सो प्लीज आप घबराओ मत। देखो, टेंशन मत लो, मेरी टेस्ट आ जाएगी, मेरे ख्याल से कल तक तो पक्का आ जानी चाहिए। एंड इस चीज को लेके हम ज्यादा अब ज्यादा अपने स्ट्रेस मत लो इस चीज को लेके, और जो भी होगा टाइमली हो जाएगा एंड आपको टाइम मिल जाएगा काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो आप प्लीज इसके रिगार्डिंग कोई टेंशन मत लो, जो होगा टाइम के साथ हमें पता चल जाएगा। वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू वेट फॉर दिस। एंड या यही मैं आपको कहना चाह रही थी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग। एंड रही बात जो आप मुझसे पूछते हो कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखो कट ऑफ बताना इतना ईजी नहीं होता है कि कितनी रहेगी। वैसे तो मैंने इतनी बार बताया है कि 65+ कट ऑफ जाती ही है, मिनिमम 55 तक चला जाएगा कट ऑफ। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे ने एग्जाम भरा है, कितनों ने उसको क्लियर किया है, और कितने बच्चे काउंसलिंग अटेंड करने आ रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं और आप कौन से रैंक पे हो, ये सब डिपेंड करता है। और ये सारे फैक्टर्स हमारा जो है कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो अभी फिलहाल हमें जो है रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही है जो हमें कट ऑफ का आइडिया दे सकता है। तो वैसे तो जब रिजल्ट आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा। तो जो कट ऑफ होती है, देखो कट ऑफ, देखो जैसे मानो कि कोई, अगर मानो टॉपर 80 है, किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि उसके मार्क्स 80 हैं एंड आई थिंक उसकी कैटेगरी OBC या SC की थी। और अगर आपका OBC में 58 स्कोर है, 60 स्कोर है, तो आप देखो अगर टॉपर ही 80 मार्क्स का है तो आपसे आगे भी कितने बच्चे होंगे और वो सीट्स जो हैं फिल हो जाएंगी। एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा सीट छोड़े, क्योंकि जब किसी को सीट मिल रही होती है तो वो नहीं छोड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बच्चा अपनी सीट छोड़े।
तो आपको उस चीज़ के लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर आप इतना एश्योर्ड होकर चलोगे कि हमें सीट मिल ही जाएगी, देखो अगर आपका रैंक अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा है, 70+ अगर आपका सेफ स्कोर है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आपको दोनों तरफ सोच के चलना पड़ता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप पहले से उस चीज़ को लेके मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी होगा, तो आपको उस टाइम पर इतना बुरा नहीं लगेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी थी, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे मुझे था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बताया था कि इशू दोनों चीज़ें सोच के चल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर होगा तो आपको खुशी का तो कोई वो है ही नहीं ना, कोई लिमिट ही नहीं आपकी खुशी का, आप इतने खुश होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो आपको उस पॉइंट पे इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके पहले से प्रिपेयर थे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल यू नो कि डीमोटिवेट हो जाना है, बहुत लो फील करना है, ऐसा नहीं है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने लिए हमें खुद ही करना पड़ता है, वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स। तो उस पॉइंट पे आपको खुद स्ट्रांग रहना है अपने लिए, क्योंकि अपना कैलिबर सिर्फ आप जानते हो, कोई टेस्ट आपको जज नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए एंड बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगी काउंसलिंग जरूर अटेंड करना, लक का कुछ पता नहीं होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 99% हमारा हार्डवर्क होता है, 1% हमारा लक होता है। तो लक अभी हो सकता है आपको क्या, तो आपके साथ हो एंड आपको सीट मिल जाए, तो प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए तो बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, वो अलग बात है कि आपका नहीं हो पाया है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ डोंट मिस द काउंसलिंग। अब इसमें मेन बात आ जाती है कि मेरिट लिस्ट में किस किस का नाम आएगा, क्या होगा, तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या मेरिट लिस्ट का क्या पर्पस है। सबसे पहले जैसे इन्होंने प्रॉस्पेक्टस में बताया था कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो ऑब्वियसली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, आप सभी के नाम उसमें होंगे और किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है वो सब उसमें मेंशनड होगा। ठीक है, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों के रोल नंबर्स दिए होंगे जो एलिजिबल है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, उसमें सबके रोल नंबर्स नहीं होंगे। रोल नंबर्स के थ्रू ही हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। तो प्रोविजनल में तो सबका होगा कि किसने कितना, अगर किसने 10 स्कोर किया है, 20 स्कोर किया है, 30, 40, 50, जिसने जितना स्कोर किया है वो सारा प्रोविजनल में आएगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें क्या होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के रोल नंबर्स आएंगे जो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, जो काउंसलिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा हमारा दोनों मेरिट लिस्ट में, एंड जिनका फाइनल में होगा वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे एंड उनको मेरे हिसाब से बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, जो काउंसलिंग है वो भी बिल्कुल अपनी अटेंड करनी चाहिए। एंड सर्टिफिकेट्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या क्या आपके लिए सर्टिफिकेट्स उसमें रिक्वायर्ड है, आपका उसमें फोटोकॉपीज भी पूरा मेंशनड है, मैं पूरा प्रोसीजर भी है काउंसलिंग का, कैसे कैसे क्या होगा, तो उसको लेके मैं वीडियो लेके आऊँगी, कल मैं अपलोड करूँगी उसको लेके, मोस्ट प्रोबेबली कल कर दूँगी अगर मुझे टाइम लगा, अदरवाइज प्रोस्पेक्टस में दिया है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसे बता दे वर्बली तो ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना, तो मैं ट्राई करूँगी उस चीज़ को बताने की भी। लेकिन हाँ, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 10th+2 HP बोनाफाइड और हमारा अगर कोई कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट रहेगा, एंड करेक्टर सर्टिफिकेट 6 months का, आई थिंक इसमें टेन्योर होता है कि 6 months से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए, एंड अगर हो सके तो हमारा पुलिस स्टेशन में जो बनता है तहसील के थ्रू सर्टिफिकेट करेक्टर, अगर वो हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आपके पास वो है तो सही है। एंड कोई गैप सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं होती है इसमें, जैसे आप कई बच्चे पूछ रहे थे, तो गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आपने ड्रॉप किया है कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एंड आपके पास आप फोटोकॉपीज भी अपनी रखना उसके पास, एंड आपने देखा होगा जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस का जो बिल्कुल एंड है उसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, 4, 5 ऐसे करके कुछ हमारे पास दिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी की साइड से होता है, तो अगर आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के उनको भी फिल करवा लो ना, वेरी गुड, एज अ सेफ्टी वो भी अपने पास रखो। मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था लेकिन इस टाइम मैं थोड़ा बताना भूल गई थी, लेकिन हाँ मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आपको
जो हमारा प्रॉस्पेक्टस है उसके लास्ट लास्ट में आप देखना, उसमें एचपी बोनाफाइड का जो यूनिवर्सिटी के थ्रू सर्टिफिकेट है अगर आप वो बनवा सको तो वो भी देखो। जब हमारी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम पे मैंने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे वो भी रखे थे, एंड जो यूनिवर्सिटी की जो जो प्रॉस्पेक्टस में जो सर्टिफिकेट्स दिए होते हैं ना वो भी मैंने बनवा के रखे थे। तो कोशिश करो कि दोनों ही बनवा के रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट पॉइंट में कि आप डॉक्यूमेंट्स की वजह आपने रह जॉब का सिलेक्शन रह जाए, तो उनको भी फिल करवा के रखना। उसमें भी देखो जैसे एससी के लिए अलग सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए सर्टिफिकेट है, और उसमें एचपी बोनाफाइड का सर्टिफिकेट भी है, आई थिंक करेक्टर का भी उसमें शायद होता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपने वाला तो रखना ही है, जो आपका एचपी बोनाफाइड होता है वो भी आपने रखना है, जो आपका अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी रखना है। उसके थ्रू ही आपका जो यूनिवर्सिटी के साइट पर सर्टिफिकेट दिए हैं वो वेरीफाई होंगे। तो हो सके देखो अभी टाइम है, अभी आप उनको कर सकते हो, एक दो दिन में ये हो जाता है, अगर आप सुबह जाओगे शाम तक आपका हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे तक आपको आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। तो टाइमली अपना ये करवा लो एंड उसको एज अ सेफ्टी रख लो। वैसे उनको यूज नहीं होता है बिल्कुल भी, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं लिए थे, लेकिन वही चीज़ है कि एज अ सेफ्टी आप बिल्कुल सिक्योर्ड होने चाहिए अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो उन सर्टिफिकेट्स को भी बनवा के रख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इन केस वो सर्टिफिकेट्स मांगे और आपने नहीं करवाए होंगे तो उस वजह से आपकी सीट रह सकती है, तो उसको करवा लो। तो उन सर्टिफिकेट्स को भी करवा लेना लास्ट, जो हमारा प्रॉस्पेक्टस बिल्कुल लास्ट में आपने देखना उसमें दिया होगा, अभी मुझे पेज नंबर बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट लास्ट में दिए होंगे, उसमें अपेंडिक्स करके लिखा होता है और उसमें पूरा सर्टिफिकेट होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको फोटोस्टेट आपने करवाना है, एक फोटोकॉपी अपने पास रखना, ओरिजिनल आप सबमिट करवा देना इनकेस अगर आपसे मांगी, अगर नहीं मांगी तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन अगर मांग ली तो इनकेस आप उस टाइम पे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना, इन सर्टिफिकेट्स को करवा लेना। और रही बात एचपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स की, तो एचपी बोर्ड स्टूडेंट्स और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन आई थिंक आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपने पास संभाल के रखना, उसकी जरूरत भी आपको पड़ेगी। एंड बाकी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, एंड कोई गैप सर्टिफिकेट की आज तक कोई जरूरत नहीं होती है, बट आप एक बार यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं खुद ड्रॉपर थी लेकिन मैंने गैप सर्टिफिकेट नहीं दिया था, बट अगर कुछ ऐसा हो तो आप पूछ सकते हो, बट फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं है। सो या यही था इस वीडियो में, मैंने आपको सर्टिफिकेट्स का बता दिया, मेरिट लिस्ट का आई होप कल तक आ जानी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली कल तक नहीं आएगी तो डोंट वरी, मेरे हिसाब से टाइम एक्सटेंड हो जाएगा एंड वो होना ही चाहिए। देखो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भी हुआ था टाइम आपका एक्सटेंड, क्योंकि शुरू शुरू में साइट नहीं चली थी, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड काउंसलिंग का प्रोसीजर है कि कैसे कैसे आपका काउंसलिंग रहेगा, तो उस चीज़ को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगी, क्योंकि वो एक अलग सा प्रोसीजर है, वो इसमें मिक्सअप मैं नहीं करना चाह रही हूँ। तो काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिए, प्रॉस्पेक्टस जो एंड में दिया है उनको भी फिल करवा लेना। सो या दैट्स इट, आई होप आपकी क्वेरीज जो है आई होप मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाई होंगी, एंड प्लीज घबराओ मत, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें टाइम के साथ सब पता चल जाएगा, लेट्स जस्ट वेट, वेट करते हैं एंड क्या कट ऑफ रहेगी वो रिजल्ट आने पे ही मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे पाऊंगी, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। सो या दैट्स इट एंड डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी, बिल्कुल चिल रहो, टेंशन ना लो। सो कल तक हमारी जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, एंड काउंसलिंग का क्या रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो या दैट्स इट, फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।